और मैं जो राहुल जी ने विषय उठाए हैं अब उसके उत्तर पे आता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी, ये देश की सुरक्षा का मामला है इसलिए गंभीरता के साथ इन विषयों को समझ लें। प्रधानमंत्री जी का जो प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ बैठक हुई और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उस प्रेस स्टेटमेंट में था कि हम लोग रफाल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगे ऑन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर बेटर देन व्हाट वाज ऑफर्ड अर्लियर। जो यूपीए के जमाने में टर्म और कंडीशन थी उससे बेहतर टर्म और कंडीशन पे करेंगे। ये कहा गया कि प्रोसेस क्या था, ये प्रोसेस था कि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और जो डिफेंस के लोग हैं, इसमें अधिकतर एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, कि किस तरह के एवियोनिक्स और किस तरह की वेपनरी चाहिए वो तय करने के लिए उनकी 74 मीटिंग्स हुई हैं। ये 74 मीटिंग्स का रिकॉर्ड और उसकी डिटेल सरकार ने ये जो नोट दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि 74 मीटिंगें हुई है। इन 74 मीटिंग्स के बाद जब समझौता फाइनलाइज हो गया तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, रक्षा मंत्री के पास जाता है और मंजूरी देने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे आता है। सारी प्रक्रिया पारित होने के बाद सरकार 2016 में डसॉल्ट के साथ अपना समझौता तय करती है। इस प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किसी माननीय सदस्य के पास ये अधिकार नहीं है कि यहां खड़ा होकर कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है। प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने प्रोसेस एग्जामिन कर लिया है, हम सेटिस्फाइड हैं कि सारा प्रोसेस पूरी तरह से उसका पालन हुआ। दूसरा विषय और मैं एक बार समझा दूं कि कृपया करके अपने दल की और उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जिस पद पे हैं उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को मद्देनजर रखिए। ये 500 और 1600 की तुलना क्या है, ये दाम नहीं थे। दाम कैसे दिए जाते हैं, एक दाम होता है बेयर एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट जो मैंने कहा केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वेपन नहीं होता। दूसरा दाम होता है वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का जिसपे पूरे वेपन फिट होते हैं। 2007 में एक ऑफर आई, वो 2007 की ऑफर में दोनों तरह के दाम थे और रक्षा मंत्री ने ठीक कहा कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम हमने बता दिया है लेकिन वेपनाइज का हम दाम बताएंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाता है कि आपके पास किस तरह के वेपन हैं और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी उल्लंघन करेंगे। और इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक विषय याद रखा जाए कि प्राइस फर्म नहीं होता, 2007 का भी फर्म नहीं था, उसमें एस्केलेशन क्लॉज था, हर साल इतना दाम बढ़ेगा, वो एस्केलेशन क्लॉज था। उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तो दोबारा बातचीत के बाद दोबारा से बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत और उसके साथ साथ वेपनरी की कीमत और वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की कीमत, ये दोनों की दोनों पे सरकार ने तय किया और इस पे समझौता हुआ। मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था, वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते, यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अगर ये 11 साल की जानकारी होती, 11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। और ये जो मैं कह रहा हूं 9% और 20%, ये केवल पहले जहाज की के बीच का अंतर है। जब दूसरा, चौथा, आठवां और 18वां आएगा तो जो एस्केलेशन क्लॉज आज तय हुआ है
वो इनके एस्केलेशन क्लॉज से सस्ता है। तो हर सक्सेसिव जहाज के लिए ये 9 और 20 का जो दाम है ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। दाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर ये चाहें तो मैं इनको पढ़ के भी बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने पहले तय किया कि हम दाम को नहीं देखेंगे, बाद में हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, हमने दाम मांगा। सरकार ने दाम सील्ड कवर में हमें दिया, हमने सील कवर खोल के पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें लगा कि इस केस में हस्तक्षेप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तीसरे विषय पे आ जाएं। शशि, आई वुड एक्सपेक्ट मच बेटर फॉर यू, नो हैविंग नोन यू फॉर 45 ईयर्स। प्लीज At least you always read and write. And therefore, those who can't. And therefore, please read the judgment of the Supreme Court. The judgment says, we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelope, we read the price. And after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. That is what the Supreme Court says. Madam, let me now come. अब मैं आके तीसरी बात, तीसरे विषय पे भी इनको बतला दूं। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है? कि क्या आपने किसी एक औद्योगिक घराने को लाभ दिया है? ये ऑफसेट क्या होता है? ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है ये क्या होता है। और इस पे आंकड़ा देखिए, इस सदन में माननीय अध्यक्ष जी आप रोज देखते हो एक आंकड़ा लिखा होता है 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? मेरा ये माय असेसमेंट इज द कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी हुज हैंड्स आर सोक्ड इन बोफोर्स, इन ऑगस्टा, इन नेशनल हेरल्ड, इफ दे कांट फाइंड एन एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द एनडीए, लेट अस मैन्युफैक्चर वन एंड लेट अस इन्वेंट वन, दैट इज देयर स्ट्रेटजी। ये 1,30,000, ये 30,000 ये कहां से आया? ऑफसेट का अर्थ है, और ये यूपीए की पॉलिसी थी 2005 की, और ये नीति ये थी कि अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट किसी से विदेशी से खरीदते हैं तो 30% से लेकर 50% तक उसे कहेंगे कि आप कोई सामान हिंदुस्तान में खरीदिए, वो सामान इस जहाज के लिए नहीं होगा, आपके किसी और काम का होगा, उन ऑफसेट सप्लायर से खरीदिए। आप उन ऑफसेट सप्लायर्स की वो लिस्ट बनाता है, और जब जब हम खरीदेंगे, पहला जहाज अगर 2019 में आता है तो उस जहाज की कीमत के अनुकूल 30% से लेकर 50% तक का उनको खरीदना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शंस में 30% होता था, रफाल में 50% है। ये अलग अलग ऑफसेट सप्लायर से खरीदता है। कौन खरीदेगा? डसॉल्ट। वो कौन सप्लायर है, कौन तय करेगा? डसॉल्ट, उनकी चॉइस है। अब कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है।
इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा, वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का टोटल ऑफसेट? 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट होगा 1,30,000 करोड़ का।